हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 हमें दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए अपॉन में ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन में ए ब्रैकेट एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करके बताने की एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए, देखा जाए तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर मैं वन है, वन को इस तरीके से ले सकता हूँ, ए प्लस बी इन टू में ए प्लस बी अपॉन में ए। देखो, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, वापस मेरा कितना आ जाएगा, वन। तो यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। फिर मैंने इस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स ए प्लस बी, इसी एक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ए प्लस बी एक्स अपॉन में ए, ए अपॉन में ए प्लस बी, ए प्लस बी अपॉन में ए इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म को मैंने एक साथ रख लिया और इन वाले टर्म को मैंने एक साथ रख लिया। रखने के बाद इनमें से कॉमन आ रहा है मेरा एक्स, कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया एक्स, एक्स तो बाहर आ गया, कितना बच गया, ए प्लस बी। अब इनमें देखो, ए प्लस बी अपॉन में एक्स, ए प्लस बी अपॉन में एक्स, इसको लिया मैंने कॉमन, तो अंदर क्या बचा, यहाँ बच गया एक्स, ये तो बाहर आ चुका, इसकी जगह बचा ए अपॉन में ए प्लस बी। अब ये दोनों टर्म देखो जरा, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी आ रही हैं, अगर एक जैसी ही होनी चाहिए। इन केस अगर नहीं आ पाती है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है। ए प्लस बी इनको एक साथ रख लिया मैंने, और इन दोनों को एक साथ रख लो, ए प्लस बी अपॉन में ए इज इक्वल टू 0। अब एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये प्लस के हैं, उधर जाए किसका आ जाएगा, माइनस का। एंड फिर इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी अपॉन में ए इज इक्वल टू 0, ये भी उधर जाए किसका आ जाएगा, माइनस का, माइनस ए प्लस बी अपॉन में ए। तो एक तो एक्स की वैल्यू मेरी ये आ जाएगी, दूसरी ये वैल्यू जाएगी, मेरी एक्स की वैल्यू निकल गई यहाँ पे, ठीक है। अब हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 50। इस क्वेश्चन में भी हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, लेकिन ये याद रखना एक्स की वैल्यू ना तो 1 के इक्वल है, ना 2 के, ना 3 के। तो इसके लिए भी मैंने इन तीनों का लिया एलसीएम, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3। ये दोनों सेम थे, यहाँ पर ये दोनों सेम थे और ये एक्स माइनस 3, तीनों को ले लिया मैंने यहाँ पे। इनके डिनोमिनेटर में जो इसके साथ मैच होता है उसे करना मैं इग्नोर, देखो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, दोनों मैच हो रहे हैं, इन्हें इग्नोर करना, क्या बचा मेरा एक्स माइनस थ्री, मल्टीप्लाई कर देना 1 के साथ। इसी तरीके से एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री मैच हो रहा है इन दोनों के साथ, इन दोनों को इग्नोर कर देना, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले नंबर का इसमें करते हैं डिवाइड, और जो सेम नंबर होता है वो या था कैंसिल, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा कौन, एक्स माइनस वन, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये आ गया मेरा। अब इतना होने के बाद में देखो, x और x 2x हुआ, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया मेरा x माइनस 2, यहाँ 2 1 जा 2, 4 था 2 2 जा 4, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब ये मेरे से कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं, वन मान लेंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे आगे डिवाइड में आ जाएगा, तो इस 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो गया, साथ में कुछ भी नहीं, वन मान लेंगे। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को इसके साथ, इन दोनों को इसके साथ, 3 वन जा 3, इन्हें करते मल्टीप्लाई, एक्स को एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 के साथ 3 एक्स, एक्स वन जा एक्स, माइनस माइनस प्लस, 3 वन जा 3। इतना करने के बाद ये मेरा प्लस का 3 इधर एक्स को आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 एक्स, 3 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से मैंने एक्स कॉमन निकाला, 2 थे एक बच गया, एक्स बाहर आ गया, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस का 4 इधर एक्स को आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरी 2 होगी, एक 0 और एक 4। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।